जब बिल्डिंग गिरी थी तब आप कहाँ पे थे? विद्यालय में। उस टाइम कैसे आपको पता चला बिल्डिंग एकदम गिरी? तब बच्चे कहाँ पे थे और बच्चों के साथ आपने क्या किया, कैसे बच्चों हुआ को एकदम पास वाले रूम में जैसे ही आवाज़ आई तुरंत बच्चों को बाहर निकाला, बैग जूते चप्पल सब उसी में छोड़े और उसके भी जाके टकराई वो, और बच्चों को सेफ निकाल लिया हमने। जब आपको पता था कि आपकी बिल्डिंग ये गिरास हुए तो उसके लिए आपने क्या प्रोसेसिंग की पहले से? पहले से हम बच्चों को बाहर बिठाते थे और क्योंकि दरार दो साल से हम वो पहले ही बैठक खा चुकी थी तो दो साल से हम ताला बंद करवा के रखा था उसका। क्या कारण है कि आज भी आपके विद्यालय के बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं? विद्यालय भवन ही नहीं है, छूटे हुए, कहीं बिठा नहीं सकते बच्चों को, यहाँ कोई सुविधा नहीं है बच्चों के लिए, ना कर्मचारी हैं, ना भवन है, ना बच्चों को टॉयलेट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। टीचर नहीं है, सुबह के आते हैं शाम को बैठ के चले जाते हैं, हमें कोई भी सुविधा नहीं है, हमें कोचिंग करनी पड़ती है, हमारे माँ बाप हमको इस और जगह भेजने के लिए तैयार नहीं होते। आपके पेरेंट्स ने इसके बारे में क्या सोचा है? बाहर पढ़ाएंगे या फिर यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे? लेकिन बच्चे क्या ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ से? जी करीबन 35-36 बच्चे जा चुके हैं और कुछ आ नहीं रहे हैं, डर के मारे कई बार लिख के दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया, डीओ साहब को दे दिया। क्या जवाब आया आपके पास? उन्होंने कही हम व्यवस्था करेंगे, हमारे यहाँ ऊपर से आदेश आएंगे। तो हमारे समुदाय का जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन है कि अतेवा गांव के स्कूल के भवन का निर्माण सही तरीके से करवाया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी का नंबर है 4464-250-640। सुनीता कसेरा, इंडिया अनर्ट के लिए।